फ्रेंड्स अब हम करेंगे आइदर केस। फ्रेंड्स आइदर केस में तीन तरह के केस होते हैं, एक आइदर केस फर्स्ट, आइदर केस सेकंड और आइदर केस थर्ड। फ्रेंड्स आइदर केस फर्स्ट करेंगे हम पहले, तो आइदर केस फर्स्ट में सबसे पहले आपने चेक करना है, सबसे पहले आपने दो ही कंक्लूजन लेने हैं। याद रखना आइदर केस निकालते समय हमेशा दो कंक्लूजन में आइदर केस निकलता है, तो सबसे पहले टू कंक्लूजन लेने हैं। नेक्स्ट स्टेप, उन दोनों कंक्लूजनों में जो मेंबर हैं वो सेम होने चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं, फर्स्ट कंक्लूजन में है एम ग्रेटर देन एन और सेकंड में है एम इक्वल टू एन, तो फ्रेंड्स मेंबर सेम है दोनों। थर्ड स्टेप में दोनों कंक्लूजन का आंसर राउंड आना चाहिए दोनों का, और थर्ड एंड फाइनल स्टेप में आपने चेक करना है कि दोनों के साइन यानी कि जहां पे ग्रेटर है और जहां पे इक्वल टू है इन दोनों को कंबाइन करना है, कंबाइन करने पर ग्रेटर और इक्वल टू का आपका बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू। तो फ्रेंड्स जो भी कंबाइन करने पे साइन बनेगा वो साइन आपने स्टेटमेंट में देखना है, गिवन होना चाहिए, गिवन होगा तो आपका आइदर केस होगा वरना नाइदर। तो फ्रेंड्स चलिए एग्जाम्पल पे, जहां पे दिया उसने ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी, सी लेस देन डी, डी लेस देन इक्वल टू ई। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमने चेक करना है ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी नहीं है, जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो जहां पे मतलब फॉल्स। नेक्स्ट है ए इक्वल टू बी, अब ए इक्वल टू बी तो जहां पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो ये भी फॉल्स हुआ। फ्रेंड्स आपने चेक करना है कि जहां से अगर देखा जाए तो आंसर आपका बनना चाहिए नाइदर फर्स्ट और नॉट सेकंड, लेकिन आपने आइदर केस चेक करना है। आइदर केस चेक करने के लिए मैंने आपको तीन स्टेप बताए हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है कि दोनों मेंबर सेम होने चाहिए, ए बी ए बी, बिल्कुल सही फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में दोनों कंक्लूजन का आंसर फॉल्स होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए, दोनों रॉन्ग है। थर्ड स्टेप, दोनों कंक्लूजनों के साइन यानी कि ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। तो फ्रेंड्स कंबाइन करने के बाद जो साइन बनेगा वो साइन स्टेटमेंट में गिवन होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट में गिवन होगा तो आइदर केस फर्स्ट बनेगा वरना नाइदर बन जाएगा। तो अब आपने देखना ग्रेटर देन इक्वल टू स्टेटमेंट में है, ए और बी के बीच, ए और बी के बीच ग्रेटर देन इक्वल टू बिल्कुल है, तो फ्रेंड्स ये आपका बन गया आइदर केस फर्स्ट। फ्रेंड्स और एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें है ई ग्रेटर देन डी, ई ग्रेटर देन डी तो जहां पे ग्रेटर देन इक्वल टू डी है तो यानी कि जे भी फॉल्स, अब ई और डी के बीच इक्वल है तो जहां पे ग्रेटर देन इक्वल है तो जे भी फॉल्स। फ्रेंड्स आइदर केस चेक करते समय तीनों स्टेप, मेंबर सेम है दोनों, दोनों के आंसर रॉन्ग है। अब साइन देखने थर्ड स्टेप, साइन है ग्रेटर और इक्वल टू तो दोनों को ज्वाइन करेंगे तो बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि आपका आंसर बनेगा ई ग्रेटर देन इक्वल टू डी। तो फ्रेंड्स ई ग्रेटर देन इक्वल टू डी आपने चेक करना है, स्टेटमेंट में है ई ग्रेटर देन इक्वल टू डी बिल्कुल स्टेटमेंट में है, तो फ्रेंड्स ये आपका बन गया आइदर केस फर्स्ट। फ्रेंड्स अगर यहां पे ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी बना है और यही साइन स्टेटमेंट में गिवन ना हो या ना बने तो आंसर आइदर की जगह नाइदर आएगा। फ्रेंड्स चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें है बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी इक्वल टू डी, डी लेस देन पी, पी लेस देन इक्वल टू क्यू, क्यू इक्वल टू आर, तो कंक्लूजन में दिया है बी ग्रेटर देन डी और बी इक्वल टू डी, तो सबसे पहले बी ग्रेटर देन डी देखिए, बी और डी के बीच ग्रेटर का साइन यानी कि किंग नहीं बैठा है तो फ्रेंड्स सेनापति बैठा है तो शासन सेनापति करेगा यानी कि जे फॉल्स। नेक्स्ट है बी इक्वल टू डी, बी और डी के बीच सेनापति और प्रजा बैठा है तो फ्रेंड्स सेनापति और प्रजा बैठी होगी तो शासन सेनापति का ही चलेगा, प्रजा शासन नहीं करती तो फ्रेंड्स जे भी फॉल्स। अब फ्रेंड्स आइदर केस चेक करने के लिए हमने सबसे पहला स्टेप दोनों मेंबर देखने हैं सेम है बी डी बी डी, दोनों कंक्लूजन का आंसर रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। नेक्स्ट स्टेप
दोनों साइन को हमने कंबाइन करना है, ग्रेटर और इक्वल टू को हम कंबाइन करेंगे तो आपका आंसर बनेगा ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी बनेगा। तो फ्रेंड्स बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी आपने देखना है स्टेटमेंट में, ये बी है और ये डी है, तो बी और डी के बीच सेनापति और प्रजा बैठी है, सेनापति और प्रजा बैठी गई है तो शासन कौन करेगा, सेनापति, बिल्कुल सेनापति शासन कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये आपका बन गया आइदर केस फर्स्ट। फ्रेंड्स और एग्जांपल देखो, फ्रेंड्स इसमें देखो आर ग्रेटर देन पी और आर इक्वल टू पी या पी इक्वल टू आर, आर ग्रेटर देन पी, फ्रेंड्स ये आर है और ये पी है, आर से लेकर पी तक उन्होंने बोला कि शासन कौन कर रहा है, किंग, लेकिन जहां पे किंग नहीं है तो सिर्फ प्रजा और सेनापति है तो शासन कौन करेगा, सेनापति, तो ये आपका फास्ट। नेक्स्ट पी इक्वल टू आर, पी और आर के बीच सेनापति बैठा है तो प्रजा शासन नहीं कर सकती, यानी कि ये भी आपका फास्ट। अब फ्रेंड्स इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करूं तो लेस देन और इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू आर बनेगा, यानी कि P लेस देन इक्वल टू R कह लो या R ग्रेटर देन इक्वल टू P कह लो। अब इस साइन को हमने स्टेटमेंट में चेक करना है कि P लेस देन इक्वल टू R बन रहा है, तो फ्रेंड्स P और R के बीच लेस देन इक्वल टू यानी कि सेनापति और प्रजा बैठी है, सेनापति और प्रजा बैठी होगी तो शासन कौन करेगा, सेनापति, तो बिल्कुल सेनापति शासन कर रहा है, यानी कि ये आपका बन गया आइदर केस फर्स्ट। फ्रेंड्स चलिए अब हम करेंगे आइदर केस सेकंड। फ्रेंड्स आइदर केस सेकंड में भी फर्स्ट टू स्टेप सेम रहेंगे, फर्स्ट टू स्टेप यानी कि बोथ कंक्लूजन, दोनों कंक्लूजनों के आंसर रॉन्ग होने चाहिए, नेक्स्ट दोनों कंक्लूजनों के मेंबर सेम होने चाहिए, और थर्ड स्टेप देखिए फ्रेंड, थर्ड स्टेप में दोनों कंक्लूजनों में तीनों साइन होने चाहिए, तीनों साइन यानी कि किंग भी होना चाहिए, सेनापति भी होना चाहिए और प्रजा भी होनी चाहिए, और तीनों साइन होने के साथ साथ अगर स्टेट और सॉरी तीनों साइन होने के साथ साथ स्टेटमेंट में फ्लो भी नहीं बनना चाहिए, अगर फ्लो बना तो आंसर आइदर की जगह नाइदर होगा, अगर फ्लो नहीं बनेगा तो आपका आंसर आइदर केस सेकंड होगा। तो फ्रेंड्स देखिए एग्जांपल पे चलते हैं, जहां पे उसने बोला है ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, बी ग्रेटर देन सी, सी लेस देन डी, डी लेस देन इक्वल टू ई, तो कंक्लूजन फर्स्ट है बी ग्रेटर देन डी। तो फ्रेंड्स बी और डी में देखिए फ्लो, सबसे पहले हम सिंपल टाइप जब करते थे तो सबसे पहले हम फ्लो चेक करते थे, तो फ्रेंड्स जहां से फ्लो टूट रहा है दो किंग बैठे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो फ्रेंड्स फ्लो टूट गया तो सीधा सीधा आंसर फॉल्स। नेक्स्ट देखिए बी लेस देन इक्वल टू डी, तो फ्रेंड्स बी और डी में देखो सेनापति बैठा है, तो फ्रेंड्स जहां पे बी और डी के बीच में दो किंग बैठे हैं, जब किंग बैठा हो तो सेनापति शासन नहीं कर सकता, तो फ्रेंड्स ये भी आंसर फॉल्स। फ्रेंड्स जहां से आपके दो स्टेप बिल्कुल सही जा रहे हैं, फर्स्ट स्टेप मेंबर देखने हैं दोनों सेम है, सेकंड स्टेप दोनों कंक्लूजन का आंसर रॉन्ग है, तो थर्ड स्टेप में फ्रेंड्स हमने क्या देखना है कि दोनों कंक्लूजनों में तीनों साइन होने चाहिए। फ्रेंड्स देखिए ग्रेटर लेस देन इक्वल टू, तो इक्वल टू भी इसमें छिपा है, यानी कि अगर मैं इनको कंबाइन करके खोलूं तो ये बनेगा ग्रेटर देन, ये बनेगा लेस देन और ये बनेगा इक्वल टू, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू तीनों साइन छुपे हैं, तो फ्रेंड्स तीनों साइन भी है। नेक्स्ट हमने देखना है कि जो पूछा है बी और डी, बी और डी के बीच स्टेटमेंट में फ्लो नहीं बनना चाहिए, तो बी और डी में फ्लो नहीं बन रहा है, दो किंग बैठे हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में तो फ्लो नहीं बन रहा है, तो फ्रेंड्स ये आपका होगा आइदर केस सेकंड। फ्रेंड्स ओ देखिए एग्जांपल, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, बी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, पहले तो सबसे पहले आप देखिए फ्लो ही नहीं बन रहा है तो आंसर सीधा सीधा फॉल्स। सेम फ्रेंड्स फ्लो नहीं बन रहा डी और बी के बीच तो आंसर फॉल्स। फ्रेंड्स आइदर केस सेकंड चेक करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे मेंबर्स, दोनों मेंबर्स यानी कि बी और डी, बी और डी दोनों जगह बैठे हैं, दोनों सेम है। नेक्स्ट हम देखेंगे तीनों साइन है, तो फ्रेंड्स तीनों साइन सामने दिख रहे हैं, ग्रेटर देन है, इक्वल टू है, लेस देन है, इक्वल टू है, यानी कि तीनों साइन है। फ्रेंड्स तीनों साइन होने के बाद हम चेक करेंगे कि बी और डी
का स्टेटमेंट में फ्लो बन रहा है तो फ्रेंड्स बी और डी का स्टेटमेंट में फ्लो नहीं बन रहा है, तो नहीं बनना चाहिए, यानी कि आइदर केस सेकंड। फ्रेंड्स चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें देखिए ए ग्रेटर देन डी। अब सबसे पहले आपने ए और डी के बीच सबसे पहले फ्लो चेक करना है, ए और डी के बीच फ्लो चेक करिए ग्रेटर ग्रेटर लेस, तो फ्रेंड्स सीधा सीधा देखिए फ्लो जहां से टूट रहा है तो आंसर सीधा सीधा फॉल्स। अब ए लेस देन इक्वल टू डी, तो सेम फ्रेंड्स ए और डी के बीच फ्लो टूटा है तो आंसर सीधा सीधा फॉल्स। अब फ्रेंड्स आइदर के सेकंड चेक करने के लिए आपने सबसे पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि दोनों मेंबर देखने हैं, सेम है ए डी बिल्कुल सही। नेक्स्ट देखना है दोनों कंक्लूजन का आंसर रॉन्ग है, बिल्कुल सही रॉन्ग है। नेक्स्ट हमने देखना है कि दोनों कंक्लूजनों में तीनों साइन गिवन है, तो फ्रेंड्स ग्रेटर है लेस है इक्वल टू है यानी कि तीनों साइन है, तो फ्रेंड्स तीनों साइन होने के बाद हमने चेक करना है कि स्टेटमेंट में फ्लो बन रहा है या नहीं बन रहा है। अगर बनेगा तो आपका आइदर की जगह नाइदर बन जाएगा, तो फ्रेंड्स आइदर केस बनाने के लिए स्टेटमेंट में फ्लो नहीं बनना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब ए और डी के बीच हमने चेक करना है फ्लो, तो ए और डी के बीच फ्रेंड्स ग्रेटर ग्रेटर लेस फ्लो टूट गया यानी कि फ्लो नहीं बन रहा है, तो ये आपका हुआ आइदर केस सेकंड। फ्रेंड्स और एग्जांपल देखिए ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो फ्रेंड्स सीधा दिख रहा है फ्लो नहीं बन रहा है, तो हमें किंग और सेनापति देखने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले हम फ्लो चेक करेंगे, फ्लो नहीं बन रहा है तो सीधा सीधा आंसर फॉल्स। तो सेम फ्रेंड्स ए और डी में भी फ्लो नहीं है फॉल्स, तो अब मेंबर भी सेम है फ्लो भी नहीं बन रहा, आंसर भी दोनों रॉन्ग है, तो थर्ड स्टेप हमने देखना है तीनों साइन है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ग्रेटर है इक्वल टू है यहाँ पे लेस है और इक्वल टू है यानी कि तीनों साइन है। अब तीनों साइन होने के बाद हमने फ्लो भी नहीं होना चाहिए स्टेटमेंट में, वो चेक करना है। अब ए और डी के बीच देखना फ्लो, ए और डी के बीच फ्लो भी नहीं बन रहा फ्रेंड्स, ग्रेटर है ग्रेटर है लेस, जहां से फ्लो टूट गया तो ये भी आपका आइदर केस सेकंड बन गया। फ्रेंड्स अब आइदर केस का लास्ट केस बचा है आइदर केस थर्ड, चलिए चलते हैं हम आइदर केस थर्ड। फ्रेंड्स आइदर केस थर्ड में भी फर्स्ट टू स्टेप सेम रहेंगे, फर्स्ट टू स्टेप यानी कि मेंबर्स आर सेम, मेंबर्स सेम, नेक्स्ट है बोथ कंक्लूजन आर फास्ट यानी कि दोनों कंक्लूजनों के आंसर रॉन्ग होने चाहिए, और फ्रेंड्स थर्ड स्टेप एंड इम्पोर्टेंट स्टेप टू साइंस, दो साइन ग्रेटर और लेस का साइन कंक्लूजन में होना चाहिए, जैसे ग्रेटर और लेस दोनों होने चाहिए कंक्लूजन में, और डज नॉट इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू। फ्रेंड्स अगर कोई भी चीज डज नॉट इक्वल टू नहीं है यानी कि इक्वल टू के बराबर नहीं है तो फिर वो या तो ग्रेटर होगी या तो लेस होगी, तो इसका मतलब डज नॉट इक्वल टू का ही मतलब है ग्रेटर देन या लेस देन, तो फ्रेंड्स ये साइन इन दोनों में से कोई एक साइन स्टेटमेंट में होना चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए चलते हैं, सबसे पहले दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि दोनों मेंबर सेम है ई डी है, तो फ्रेंड्स ई ग्रेटर देन डी, फ्रेंड्स ई ग्रेटर देन डी, अगर मैं इसे सिंपल तरीके से और लिखूं तो ये बन जाएगा ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल टू डी, तो फ्रेंड्स डज नॉट इक्वल टू का मतलब या तो डी ग्रेटर देन है ई से या डी लेस देन है ई से, तो फ्रेंड्स अब देखिए ई ग्रेटर देन डी, फ्रेंड्स ई ग्रेटर देन डी हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, क्योंकि या तो वो छोटी है या तो वो बड़ी है, लेकिन हमें एग्जैक्ट नहीं पता कि बड़ी है या छोटी है, तो फ्रेंड्स जो चीज हमें नहीं पता तो वो फॉल्स। सेम डी ग्रेटर देन ई, डी ग्रेटर देन ई सेम, ये भी फॉल्स। फ्रेंड्स अब हमने आइदर केस थर्ड चेक करना है, दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यानी कि दोनों मेंबर सेम है ईडी है, दोनों साइन है ग्रेटर और लेस का, दोनों साइन भी है, और अब डज नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन लेस देन दोनों में से एक साइन स्टेटमेंट में है, तो फ्रेंड्स ई और डी के बीच ये साइन है, तो फ्रेंड्स ये आपका बन गया आइदर केस थर्ड। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
फ्रेंड्स पहले तो मैं इसको सिंपल तरीके से लिख देता हूं, एम डज नॉट ग्रेटर देन ए, एम ए से बड़ा नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर एम ए से बड़ा नहीं है तो यानी कि या तो वो छोटा होगा या बराबर होगा, लेस देन इक्वल टू ए बन जाएगा, इक्वल टू बी। अब सेम डज नॉट इक्वल टू है तो यानी कि या तो वो ग्रेटर है या तो वो लेस है, डी के और एफ। फ्रेंड्स फर्स्ट कंक्लूजन बी ग्रेटर देन डी, बी ग्रेटर देन डी, तो फ्रेंड्स सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह बन गया, बी ग्रेटर देन डी हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। तो जिस चीज का हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं है तो वो हमेशा फॉल्स होगी, तो सेम इसका ऑपोजिट फॉल्स। फ्रेंड्स अब आइदर केस चेक करने के लिए दोनों मेंबर सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों कंक्लूजनों का आंसर रॉन्ग आया है, बिल्कुल रॉन्ग आया है। तो फ्रेंड्स अब बी और डी के बीच स्टेटमेंट में देखना है कि इन दोनों में से कोई साइन है, तो फ्रेंड बिल्कुल है, ये है बी और डी के बीच, बी और डी के बीच। तो फ्रेंड्स इसी का मतलब ये है, यानी कि जहां जे साइन हो जहां जे हो एक ही बात है, तो फ्रेंड्स साइन भी है तो जे आपका बन गया आइदर केस थर्ड। फ्रेंड्स ये था आपका इनइक्वालिटी। फ्रेंड्स आपको कोई भी डाउट इस चैप्टर में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में प्लीज लिख दीजिए, मैं उसको सॉल्व करके सेंड कर दूंगा। थैंक यू क्लास।